नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक मामले में मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद से टिकटॉक एक कानूनी लड़ाई में फंस चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 22 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र से चीनी ऐप टिकटॉक को डाउनलोड किए जाने पर रोक लगा दी। इसके बाद टिकटॉक ने कहा है उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। बताते चले कि पिछले दिनों इस ऐप के इस्तेमाल से तमाम दुर्घटनाओं के सामने आने के बाद से ही ये ऐप विवादों में घिरा है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों वाला भी बताया है। रविवार को ही एक युवक के टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान खुद को गोली मार लेने की खबर आई थी। बात करते हैं कि क्या है टिकटॉक। टिकटॉक एक सोशल मीडिया ऐप है। इसके जरिए स्मार्टफोन यूजर छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर यूजर अपनी आवाज में वीडियो नहीं डाल सकता, उसे बस अपने होंठ चलाने होते हैं, यानी लिप सिंक करना होता है। इस पर किसी वीडियो अवधि की लिमिट 15 सेकंड है। इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत में म्यूजिकली के नाम से लॉन्च किया गया था, बाद में बाइटडांस ने इसे लेकर फिर से टिकटॉक के नाम से रिलॉन्च किया। दुनिया भर में अब तक इस ऐप को 100 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इस कंपनी के मालिकाना हक चीनी कंपनी बाइटडांस के पास है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यू वाली स्टार्टअप कंपनियों में से एक है। इसके अलावा इस कंपनी के पास एक अन्य सोशल मीडिया ऐप के अधिकार भी हैं। इस ऐप का नाम है हेलो। इसके अलावा एक न्यूज एग्रीगेटर ऐप न्यूज रिपब्लिक के मालिकाना अधिकार भी बाइटडांस के पास ही है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भी 100 मिलियन से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसे हर महीने 20 मिलियन यानी 2 करोड़ भारतीय इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टीनएजर्स की पहली पसंद बन चुका है। सेलिब्रिटीज भी इसके इस्तेमाल में पीछे नहीं है। विश्व के कई प्रसिद्ध कॉमेडियन, एथलीट और कई नामचीन ब्रांड इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। भारतीय एक्टर्स में श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़ जैसे बॉलीवुड और मनोरंजन सितारे इस ऐप पर आ चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर पर टिकटॉक का परिचय शॉर्ट वीडियोस फॉर यू कहकर दिया गया है। भारत में ये कितना लोकप्रिय है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करीब 80 लाख लोग इसका गूगल प्ले स्टोर पर रिव्यू कर चुके हैं। आपको खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।